इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। दो बच्चों के जन्म के बाद महिला नसबंदी करवा कर बेफिक्र हुए दंपत्ति के घर अब फिर किलकारी गूंजने वाली है। दो माह का गर्भ ठहरने के बाद जब किशनगढ़ की इस महिला ने प्रसव जांच कराई तो पता चला कि वह गर्भवती है। गर्भवती होने की जांच रिपोर्ट देखने के बाद से नसबंदी करने वाले डॉक्टर पर सवालिया निशान खड़े हो गए। वहीं पीड़ित हेमराज जब डॉक्टर के पास गया और रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर भी नसबंदी के बाद महिला के गर्भवती होने से चकित हो गई। पीड़ित परिजनों ने बुधवार को राजकीय जगनारायण अस्पताल में डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि हेमराज मजदूरी करता है और परिवार की हालत भी ठीक नहीं है, ऐसे में वह तीसरी संतान का पालन पोषण कैसे करेगा। परिजनों का कहना है कि इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है, सरकार को डॉक्टर पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को हेमराज को तीसरी संतान के पालन पोषण करने के लिए आर्थिक सहायता करनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित होने वाले नसबंदी शिविर में संतोष ने महिला नसबंदी कराई थी, लेकिन अब नसबंदी के बाद भी वह गर्भवती हो गई है। दरअसल किशनगढ़ के परासिया निवासी हेमराज की 13 मई 2011 को शादी हुई थी। शादी के 2 साल बाद उनके लड़का हुआ। वर्तमान में उसकी उम्र 5 साल है। 2.5 साल पहले हेमराज को दूसरे पुत्र भी प्राप्त हुआ। हेमराज मार्बल एरिया में मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता है। बच्चों का सही पालन पोषण करने के लिए हेमराज ने पत्नी संतोष की नसबंदी कराने का फैसला किया, जिसके बाद हेमराज ने 26 जून 2015 को जगनारायण अस्पताल में डॉक्टर अंजना गुप्ता से अपनी पत्नी संतोष की नसबंदी करा ली। लेकिन पीड़ित हेमराज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक बार फिर पिता बन जाएगा। करीब 1 माह पहले संतोष को अचानक उल्टी हुई। हेमराज ने पत्नी को डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले ली, लेकिन संतोष को उल्टी होने के साथ साथ चक्कर भी आने लगे। इस पर हेमराज ने डॉक्टर की सलाह पर जांच कराई और जांच रिपोर्ट में संतोष गर्भवती पाई गई, जिसके बाद हेमराज चकित रह गया, क्योंकि हेमराज ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि नसबंदी कराने के बावजूद उसकी पत्नी तीसरी बार गर्भवती हो जाएगी। 3-4 साल हो गए, फिर बाद में मैम के पास आए तो मैम ने बोला कि घर पे आ जाओ, फ़ोन करके घर पे गए। 1-2 दिन 200-200 रुपये फीस ले ली, फिर बोल दी ये जाँचा करवा लो आपको बाहर की और फिर सफाई करवा देंगे, ये बोला। ऐसा क्यों हो रहा है मैडम? जब आप हॉस्पिटल में गए थे सरकारी हॉस्पिटल में, सुबह गए थे 10:30 बजे, फिर मैम को इधर उधर तलाशी करी, मैम मिली नहीं, फिर मैम को फ़ोन लगाया तो बोला घर पे आ जाओ, जल्दी आना तुरंत। ऐसा मैडम से कराए थे आपने? वो अंजना गुप्ता से। ऑपरेशन कहाँ हुआ था आपने? यहीं हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर अब क्या कह रही है मैडम? वो बोल रही सफाई करवा लो। कितने महीने का है बच्चा? ये है 2 महीने का। आज आप अस्पताल में आए, क्या आश्वासन दिया आपको? ये बोल रही है अब कानून कार्रवाई होगी, कागज दे दो, वो दे दो, रिपोर्ट लिख दो। कानून कार्रवाई किस तरह से होगी, क्या होगी कानून? सफाई करवा लो। अब सफाई करवा लो और तो क्या होगा, हमको नहीं चाहिए बच्चा। और बच्चे क्या मांगे, क्योंकि बच्चा भी लगाया, तो क्या आप भी सफाई करवाना चाहेंगे, क्या पालना चाहेंगे? नहीं करवाना चाहेंगे सफाई। डॉक्टर कह रहे हैं सफाई करवाने के लिए, तो सफाई करवाएंगे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो हत्या हो रही है ना। फिर क्या नाम है आपका? हेमराज चौधरी।